सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आज सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में जिनमें आज के दिन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ चुका है। सो उन स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास है किसी भी लेवल पर, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे फेयरकेम ऑर्गेनिक लिमिटेड के बारे में। फेयरकेम में आप देख पाएंगे कल के दिन स्टॉक में 4.5% की एक साइड में मतलब एक तरफा करेक्शन दिखाते हुए देखने को मिला, जबकि पूरे बाजार में शानदार तेजी होने के बाद भी। और इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि Q2 के नंबर इस बार क्या है, वो बहुत ही ख़राब नंबर आए थे। पिछले 5 डेज की बात करें तो 15% आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो करेक्शन है 5 दिन के नहीं, ये करेक्शन दोस्तों आप एक दिन के करेक्शन चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि Q2 के नंबर आए थे जिस दिन बाजार क्लोज होने के बाद है, तो जो भी रिएक्शन है हमें नेक्स्ट दिन देखने को मिला था। और बाजार ओपन होने के साथ साथ ही स्टॉक में हमें गजब की पिटाई होते देखने को मिला, लगभग 15-16% के आसपास। उसके बाद भी मैंने स्टॉक को कवर किया था कि देखो नंबर तो बहुत ही ख़राब दिखाया और स्टॉक में गिरावट भी बहुत शानदार हो चुका है, लेकिन आपको इस गिरावट के चलते ना ही स्टॉक को आपको एग्जिट करना है, ना ही स्टॉक में आपको फ्रेश बाइंग और एवरेज करना है। उसके बाद आपने देखा होगा नेक्स्ट दिन स्टॉक में हमें 10 नवंबर को हमें नेक्स्ट दिन 3% की तेजी देखने को मिला था, तब भी मैंने स्टॉक को कवर किया था। प्लीज़ इस तेज़ी को देख के एवरेज और फ्रेश बाइंग के विचार मत करना, स्टॉक में और भी हैवी करेक्शन हो सकता है। कभी भी स्टॉक में जब शानदार गिरावट होता है तो उस नेक्स्ट दिन स्टॉक में थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को मिलता है, उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक में तेज़ी आ चुका है, स्टॉक अब भागता जाएगा, ऐसा नहीं। वो थोड़ा बहुत कम बैक किया अब फिर से दोबारा नीचे आ जाएगा, मतलब लोअर लो बना रहे वो, तो आपको गलती से भी ऐसे ट्रैप में बिल्कुल भी ट्रैप नहीं करना है। अगर पिछले एक मंथ की बात करें तो 28% रफली आप चाहो तो 30% भी बोल सकते हो। नो डाउट स्टॉक पहले से अच्छे खासा करेक्शन दिखाता है Q2 के नंबर आने से पहले, यानी कि सब मान के चल रहे थे कि इसके नंबर इस बार के खराब ही आने वाले, क्योंकि वैसे भी देखा जाए ये बहुत अप्स एंड डाउन वाले क्वार्टरली बेसिस जो नंबर है बहुत ही अप्स एंड डाउन वाले नंबर दिखा रहा। तो नो डाउट मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, कभी भी किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो तेजी देके बाय करने नहीं होते, क्योंकि जिनको ये 30% के लॉसेस हो रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को तेजी देके बाय किए, क्योंकि 1300 से स्टॉक ने एक शानदार तेजी दिखाया। और इसके पीछे का रीज़न भी एक है, Q1 के जो नंबर दिखाए थे पिछले और बाकी बहुत शानदार नंबर दिखाए, कमाल के नंबर दिखाए, और स्टॉक ने एक तरफ रैली दिखाई, फिर भी मैंने आपको बता दें कि स्टॉक एकदम टॉप पे पहुंच चुके हैं और ऑल टाइम हाई में है। तो प्लीज़ एक भी शेयर फ्रेश बाय ना करें। अगर कंपनी आपको अच्छी लगती है तो कंपनी को डिटेल में स्टडी करना, उसके बाद Q2 के नंबर तक वेट कर लेना। Q2 के नंबर जैसे आ जाएगा Q2 को डिटेल में स्टडी करना, अगर नंबर अच्छे लगते हैं तब चाहो तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हो, लेकिन ब्लाइंड नहीं जाकर स्टॉक भाग रहे, इसलिए ब्लाइंड नहीं जाकर अगर आप निवेश करोगे तो नंबर अगर खराब आएगा तो बहुत पिटाई हो सकता है और आप टॉप पे ट्रैप या फिर अटक सकते हो। वही चीज़ें होते हमें देखने को मिला, जो लोग बिना सोचे समझे स्टॉक को बाय किया वो पूरी तरह से टॉप पे ट्रैप होते हुए देखने को मिले, या फिर चाहता बोझ तो अटकते हुए देखने को मिले। तो इनको क्या करना है, फ्रेश बाइंग तो करना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एवरेज भी नहीं करना है इस लेवल पर, तो फिलहाल एवरेज नहीं करना और इस नंबर को देख के तो क्या एग्जिट हो जाना है 30% लॉस लेके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों आपको एग्जिट नहीं होना है, चलो उस पॉइंट को हम कवर करते हैं। अगर नंबर की बात करें तो नो डाउट नंबर तो ईयरली बेसिस इनकम ओके देखने को मिल रहा है, एक्सपेंस मल्टीप्लाई हो चुके हैं, बहुत ही एक्सपेंस देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अगर बात करें और फिर फाइनल जो प्रॉफिट आता है, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें, बहुत ख़राब 40K, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो 40K जो पिछली बार Q1 के नंबर दिखाए, क्या वो Q1 ने जो 40 जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, क्या वो उसको मेंटेन कर पाएगा, उसको बीट कर पाएगा, या फिर वो स्टेबल भी दिखा पाएगा, या फिर जो सेल्स है 225 करोड़ के, क्या वो इतना सेल्स Q2 में दिखा पाएगा, इसमें तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में आ रहा था। और सेम चीज़ हमें होते देखने को मिला, इनकम में हमें क्वार्टरली बेसिस डाउन देखने को मिला और एक्सपेंस मल्टीप्लाई होने की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग मार्जिन में, कंपनी के EPS में, सारी चीज़ें हमें बहुत बड़े डीप या फिर बहुत बड़े करेक्शन दिखाते हुए देखने को मिले। सो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, आप मैं बताना चाहूँ क्यों आपको एग्जिट नहीं होना है। मेरे हिसाब से देखो, आपके पैसे आप 30% के लॉस लेकर निकल जाओ, 10% के लॉस लेकर निकल जाओ, वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको मैं इतना कह चुका हूँ, कंपनी कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, ना ही कंपनी कोई ख़राब कंपनी है। नो डाउट कंपनी की जो नंबर है आप देख पाएंगे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देख पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप सेल्स को भी देख पा रहे हो, अप्स एंड डाउन बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं इतना कहता हूँ कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी एक न्यू कंपनी है, लेकिन कंपनी कोई भी खराब कंपनी नहीं है, कंपनी अच्छी कंपनी है, आने वाले टाइम पर कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन सकता है और बहुत अच्छा कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको इस टाइम पर कोई भी इस टाइम पर डिसीजन लेना है तो मेरे हिसाब से आपको इतना कहना चाहूँगा, फिलहाल अभी रुक जाइए, इस स्टॉक पर एवरेज भी नहीं करना है, फ्रेश बाइंग भी नहीं करना है और आपको लॉस में नहीं बेचना है, क्योंकि कंपनी एक बार खराब नंबर दिखाए लॉस में तब बेचना होता है जब कंपनी कंसिस्टेंसी नंबर खराब दिखाए, तो क्योंकि पिछली बार जो इसने
Q1 के जो नंबर दिखाए थे बहुत शानदार Q1 के नंबर दिखाए थे, डायरेक्टली आप 18 से आप देख पाएंगे 40 के हमें प्रॉफिट में जाते हुए देखने को मिला। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे पैसे जाके एक ही बार में लगा दिया, ये 40 के 50 होगा, 50 के 60 होगा, ऐसे कंसिस्टेंसी अच्छे नंबर दिखाएगा, तब जाके मैं इसके बारे में और भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचूंगा। एक बार 20 के 40 होगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाकर सारे पैसे लगा दूंगा, ऐसा कोई भी नहीं करेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। सेम चीज़ें एक बार 9 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, एक बार खराब नंबर दिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टॉक को लॉस बुक करके निकल जाऊंगा। ये जो प्रॉफिट आपको देखने को मिले, जो सेल्स Q3 को देख लेना, अगर Q3 में ऐसे खराब नंबर दिखाता है, Q4 में भी ऐसे लगातार खराब नंबर दिखाता है कंसिस्टेंसी, तब जाके उसके बारे में एग्जिट के बारे में सोचना होता है, ना कि एक बार खराब नंबर दिखा दिया तो उसमें आप लॉस करने के बारे में सोचोगे, और एक बार अच्छे नंबर दिखा दिया तो उसमें सारे पैसे लगाने के बारे में सोचोगे तो बहुत ही गलत है। तो Q3 के और Q4 के नंबर देखना, अगर Q3 Q4 के नंबर भी कंसिस्टेंसी नीचे जा रहे हैं तब आप एग्जिट के बारे में विचार कर सकते हो, भले ही 10% और आपको लॉस बुक करना पड़े, लेकिन लॉन्ग टाइम ये चीज़ें चलता रहता है। बाजार रिस्क मतलब क्या, ये चीज़ है दोस्तों, ये कोई FD नहीं है कि आपने FD में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको तो फिक्स 5-6% मिलना ही है, कोई आपको ऑप्शन नाउ देखने को नहीं मिलेगा, और बाजार में आप एंटर कर रहे हो तो रिस्क तो आपको देखने को मिलेगा। और रिस्क दोस्तों यही है कि कंपनी छोटी कंपनी बहुत ही लिस्टेड होते हैं बाजार में, लेकिन उसमें से कुछ ही कंपनी ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टाइम में बहुत बड़े बनते हैं। तो हो सकता है ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत बड़े बन सकता है, एक बार अच्छे नंबर दिखा दे, एक बार खराब नंबर दिखा दे, उससे आपके डिसीजन में मतलब डिसीजन आपको पूरा डिसीजन नहीं लेना होता है। नो डाउट नंबर खराब दिखाए, Q3 के नंबर तक वेट, एटलीस्ट Q3 के नंबर आपको देखना आना चाहिए, अगर Q3 के नंबर भी कंसिस्टेंसी खराब आ रहे हैं, Q1 Q2 से भी खराब, तब चाहो तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हो, तब तक मेरे वीडियो जरूर आ जाए। अगर आपके पास है और यहाँ पे है 30% लॉसेज हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको एटलीस्ट लॉस में नहीं बेचना, चाहो तो बिंदास कंटिन्यू कर सकते हो, लॉस में भी एवरेज भी नहीं करना है, फ्रेज बाइंग भी नहीं करना है, लेकिन लॉस में भी नहीं बेचना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर खराब नंबर दिखा तब इसके बारे में आपको विचार करना होता है। कंपनी कोई खराब नहीं है, सिर्फ 2 साल हुए, आने वाले टाइम में ये भी कंपनी बहुत अच्छे जरूर कर सकते हैं। सो अगर बात करें नेक्स्ट स्टॉक फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, इसके भी नंबर हमें अच्छे देखने को मिले, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा जो तेजी है वो रुकावट आते हुए देखने को मिला, और नो डाउट कभी ना कभी तो स्टॉक रुकेगा ना, ऐसे नहीं कि कंपनी अच्छे नंबर दिखाते जाए स्टॉक भागता जाए ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, स्टॉक थोड़ा बहुत आप रुकते हुए देखने को जरूर मिल जाएगा। कल की तेजी के साथ साथ आप स्टॉक में 2.5% के आसपास हमें तेजी दिखाते हुए देखने को मिले, फिर एक मंथ की बात करें स्टॉक 400 के टॉप बनाने के बाद स्टॉक में अच्छे खासे डीप देखने को मिले, जो कि 15-16% के आसपास, तो बहुत से लोग फ्रेज बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, मैंने उनको पहले ही बता दिया आप चाहो तो जा सकते हो, आप चाहो तो टॉप पे भी बाय कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरी स्टडी के हिसाब से 15% के गिरावट में स्टॉक को प्लीज फ्रेज बाय ना करें, स्टॉक में आपको और भी डीप देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक ने जिस रफ्तार से स्टॉक ने रिटर्न दिया 6 मंथ की बात करें पैसे डबल, और 1 साल की बात करें 200% के आसपास, और पिछले 5 ईयर्स की बात करें अभी भी 800%, और बीच में भूलना मत दोस्तों 80% करेक्शन होता है, तो स्टॉक एकदम टॉप पे 16% गिरावट इस स्टॉक के लिए नथिंग, कुछ भी नहीं है, स्टॉक में और भी डीप देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको इतना ही सजेशन करना चाहूँगा, देखो फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, आपका पैसे है, तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, किसी को फ्रेज बाइंग करना है, जिसको प्रॉफिट बुक करना है, जिसको लॉस बुक करना है वो आपको पड़े, किसी को फ्रेज बाइंग करना लॉस में तो बेचना भी नहीं है, किसी को फ्रेज बाइंग करना है उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, स्टॉक में अगर बाजार भी टॉप पे है तो कभी भी कोई करेक्शन आता है तो 800% रिटर्न, स्टॉक में हैवी करेक्शन होता है जो कि स्टॉक लगभग आप 200-300 के नीचे 280 तक भी आ सकता है, तब चाहो तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा दीपक नाइट्रेट, तो किसी को अगर केमिकल स्टॉक में जाना है और रिजल्ट भी आ चुका है, रिजल्ट खराब होने के बाद भी स्टॉक में फ्रेश बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरी नज़र में तो दोस्तों एक ही स्टॉक आता है, वो तो दीपक नाइट्रेट केमिकल, इसके नंबर भी बहुत खराब आए, आपने देखा होगा जैसे नंबर आए स्टॉक में हमें क्या गजब की गिरावट होते देखने को मिला 10% से ज़्यादा, तो स्टॉक टॉप से देखोगे एग्जैक्टली 3000 के लेवल से, तो आपको नियर बाय 40% तो नहीं, नियर बाय 40% के आसपास आपको करेक्शन देखने को मिलेगा 35% के आसपास, और 2000 के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जो चाहे तो दीपक नाइट्रेट केमिकल जैसे को इस स्टॉक में इस लेवल पे एक इंस्टॉलमेंट फ्रेश बाय करके चल सकता है, अगर कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट है तो। कंपनी कोई खराब नहीं है, लॉन्ग टाइम ग्राफ भी आप देख पाएंगे बहुत शानदार रिटर्न बना के दे चुका है, यहाँ पे मल्टीपल बार करेक्शन हुआ था बहुत बार, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई फिर कंपनी टॉप पे है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्लाइंट बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट बहुत शानदार है, तो आप चाहो तो इस गिरावट का फायदा उठा के 2000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट लगा के चल सकते हो, अगर कंपनी के बिजनेस के ऊपर आपको ट्रस्ट है, फिर थोड़ा सा अगर और 2000 के नीचे आ जाए तो और एक इंस्टॉलमेंट लगा देना, फिर 1750 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ तक मैक्सिमम ये आ सकता है, अगर बाजार में गिरावट हो तो और एक इंस्टॉलमेंट आप लगा सकते हो, लेकिन प्लीज़ गलती से भी लॉस में ना बेचे। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इजी माई ट्रिक, तो इसमें कल के दिन हमें Q2 के रिजल्ट आते हुए देखने को मिला, तो रिजल्ट कैसा है, तो रिजल्ट ओके ओके, साथ साथ जो हाल ही में इसने स्प्लिट अनाउंसमेंट किए थे 1 के बदले टोटल 7 शेयर, तो उसके भी एक्सडेट हमें निकल के आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख पा रहे 21 नवंबर, तो उससे पहले 20 नवंबर को कोई स्टॉक को बाय करेगा तो इस कॉन्फिडेंस के चलते वो एलिजिबल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी किसी भी स्टॉक कंपनी को खराब नहीं, कंपनी बहुत सुंदर है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन आपके फोकस ये नहीं होना चाहिए कि 1 के बदले 7 शेयर, 1 के बदले 10 शेयर,
गलती से भी ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन के चलते किसी भी स्टॉक को फ्रेश बाय ना करें। कंपनी बहुत ही अच्छी है। सो वीडियो देखने को डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।